दोस्तों मोटोरोला तैयार है इंडियन मार्केट में अपने एक और नए 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए जो कि मोटो G62 5G होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करने जा रहा हूँ मोटो G62 5G के बारे में। इसका लॉन्च डेट जो ऑफिशियली मोटोरोला इंडिया के द्वारा कंफर्म करा जा चुका है कितनी तारीख को यह स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, तो मैच एक सप्ताह के अंदर यह स्मार्टफोन हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग क्या हमें देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में वो भी बताऊंगा, और आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन क्या कुछ होने वाले वो भी बताऊंगा। इन टोटल आज की इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मोटो G62 5G से रिगार्डिंग, तो बस वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहां पे मोटो G62 5G के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे आपको 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस वाला IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट लगा दिया गया है, अच्छी बात है। सामने की तरफ पंचोल स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले जहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा दिया गया है। बैक की तरफ यहां पे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाते हैं, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का जो कि माइक्रो शॉट्स क्लिक करेगा। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 5000 एमएएच की बैटरी होगी जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा, एंड यहां पे जो आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोसेसर की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 480 प्लस चिपसेट। अब देखिए यहां पे 480 प्लस चिपसेट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक वीक चिपसेट है, ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि 400 सीरीज का चिपसेट है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये चिपसेट जो है स्नैपड्रैगन 600 सीरीज के चिपसेट सबको टक्कर देगा, तो ये अच्छा खासा चिपसेट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाएगा, SD कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड हाँ इस स्मार्टफोन में जो आपको 12 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएगा, एंड ऑब्वियस है मोटोरोला का स्मार्टफोन है तो हमें स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन जो थिकनेस है वो 8.59 mm की होने वाली है, इसका जो वेट है वो 184 ग्राम का होने वाला है। ये रही पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन कहानी मोटो G62 5G की। अब बात आती है कि भैया ये स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में लॉन्च कब होगा, तो दोस्तों देखिए मोटोरोला इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो इस स्मार्टफोन को 11th of August जी हाँ 11 अगस्त को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देगी। अब जिसका आप सभी वेट कर रहे थे कि भैया इसकी प्राइसिंग क्या कुछ हमें देखने को मिलेगी, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो इसका बेस वेरियंट है वो आपको देखने को मिलेगा 4+64, और इसकी जो प्राइसिंग है अप्रॉक्सीमेटली मान कर चलिए 16-17 हज़ार के आसपास होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा जाती है तो फिर हमें और अच्छे अच्छे कंपनी की तरफ से इवन मोटोरोला की तरफ से ही हमें अच्छे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 16 हज़ार ज़्यादा एक्सीड करेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा एक्सीड करती है तो वहाँ पे हमें मोटो S20 फ्यूजन जैसा अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, हम उसकी तरफ फिर शिफ्ट कर जाएंगे ना, इसलिए 16 हज़ार ज़्यादा प्राइस एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और बहुत जाती है तो 17 हज़ार तो जाने ही नहीं चाहिए, 17 हज़ार से ज़्यादा जाती है तो बिल्कुल एक ओवर प्राइस स्मार्टफोन होगा, और अगर मोटोरोला है एग्रेसिव रखती है तो भाई 15,000 भी इसकी प्राइसिंग रख देती है, और अंडर 15,000 अगर आ जाता है तो बहुत ही तगड़ी बात हो जाएगी मोटोरोला की तरफ से, क्योंकि एक अच्छा खासा स्मार्टफोन हमें देखने को मिलता है। तो बस इंतजार रहेगा हमें 11 अगस्त की सबसे जो ऑफिशियल कन्फर्मेशन का। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे एक और नए वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।